बीएससी एग्रीकल्चर 40 स्टूडेंट फ्रॉम सिकर का रहने वाला हूँ। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा पर आपको इतनी बड़ी लगेगी, एग्रीकल्चर के बारे में आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। तो सो प्लीज काइंडली और साइलेंटली सुने, थैंक यू। एक मिनट में आपको बता देता हूँ कि आपकी जो पानी की बोतल आती है 20 रुपए की मिनिमम आती होगी, बिल्कुल आती है 20 रुपए की मिनिमम पानी की 1 लीटर की बोतल आती है। गेहूं का भाव क्या है अपने, गेहूं 18 रुपए किलो या 20 रुपए किलो मिलता है? 2000 रुपए की अपने एक बोरी आती है कि नहीं आती? आती है। तो एक किलो अपन को गेहूं उगाने के लिए कम से कम 30 लीटर पानी चाहिए। एक किलो गेहूं उगाने के लिए अपन को कितना पानी चाहिए? 30 लीटर पानी चाहिए। तो 30 लीटर पानी अगर एक किलो गेहूं उगाने के लिए चाहिए तो पानी का भाव क्या हो गया? 600 रुपए हो गए। और गेहूं अपने एक किलो कितने रुपए का बिक रहा है? 18 रुपए का। तो बताओ किसान का भी आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा ना। तो बिल्कुल इसी प्रकार अपन एग्रीकल्चर से जो स्टूडेंट है, मैं उन्हें को यही राय देता हूँ, अपन ड्राई एरिया से रहने वाले हैं तो उस ड्राई एरिया में अपन को इस प्रकार खेती करनी है कि कम से कम पानी, अगर अपने जहाँ 30 लीटर लग रहा है वहां अपन अगर 300 ml में 1 kg गेहूं उगाने की हिम्मत रखें तब अपन प्रोडक्शन अच्छा बढ़ा सकते हैं और किसान को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ।